आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है साउथ इंडियन चटनी, जो डोसा बड़ा के साथ खाया जाता है। आप कोई भी साउथ इंडियन में होटल में जाएंगे तो ये चटनी जरूर मिलेगा। चलिए जो लाल चटनी के लिए बना रहा है, इसमें देखिए क्या क्या सामान यूज होते हैं। चने की दाल, उड़द की दाल, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, लहसुन, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड तेल। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हो, और साबुत सरसों दाना। सबसे पहले गैस जला लेती हूँ। अब मैं तेल डाल रही हूँ, एक चम्मच। ये देखिए तेल गरम हो गया। अब मैं डाल दी चने की दाल, उड़द की दाल, करी पत्ता, हमारे पास ताजा करी पत्ते नहीं था इसीलिए सूखा के रखे थे, मैं उसी को यूज कर रही हूँ। साबुत लाल मिर्च, आप अपना हिसाब से डालना। प्याज, ये लाल चटनी के लिए बन चुका है। अभी मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसको थोड़ा ठंडा के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम कोकोनट चटनी बना लेते हैं। आइए, जब तक ये टमाटर ठंडी हो रही है तब तक हम कोकोनट चटनी बना लेते हैं। कोकोनट चटनी के लिए क्या क्या सामान यूज हो रहा है। कोकोनट रोस्ट किया हुआ मूंगफली, ये बाजार में भी मिलते हैं। अगर ना मिले तो आप घर पे तावा पे भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। और छौंक के लिए करी पत्ता, सरसों, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। देखिए कोकोनट चटनी के लिए कोकोनट डालिए, रोस्ट किया हुआ मूंगफली, नमक स्वाद अनुसार, और अगर बीच में देख लेना, अगर पानी कम पड़े तो थोड़ा पानी डाल देना। ये देखिए हमारा कोकोनट चटनी बन गया। ये ज्यादा पतला भी नहीं होते, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब मैं इसको
आइए हम लाल चटनी को बना लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी डाल के आइए देखते हैं ये बना है क्या नहीं। इसमें और थोड़ा पानी डालना है। ये देखिए हमारा लाल चटनी बन गया। अब मैं इसको बॉल में डाल लेती हूँ। आइए दोनों चटनी को हम छौंक लगा लेते हैं। अब गरम हो गया तेल डालिए। अब सरसों डालना है। साबुत लाल मिर्च थोड़ा तोड़ के डालना। चलिए अब हम लाल चटनी को छौंक लगा देते हैं। पहले सरसों उड़द की दाल पत्ता लाल मिर्च हमें गैस को ऑफ कर देते हैं। ये दोस्तों हमारी साउथ इंडियन चटनी तैयार है। इसको बड़ा सांभर डोसा इडली किसी से भी खा सकते हो। अगर मेरे ये रेसिपी अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इसमें कोई चीज़ की कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएगा। अगर डोसा बनाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएगा। धन्यवाद।